So, marketing is essential and not a cost. It's very, very, very important. क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपका कंज्यूमर इंडिया के किस कोने में या दुनिया के किस कोने में बैठा है. तो अगर आप इसको सोचते हैं कि ये कॉस्ट है, इट्स नॉट अ कॉस्ट बट इट्स एसेंशियल टू रीच द राइट कस्टमर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. अभी मार्केटिंग एक्सपेंस कहाँ से निकलेगा? मार्केटिंग एक्सपेंस तो क्रॉस मार्जिन से निकलेगा. अब ग्रॉस मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस मार्जिन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस जिस रेट पे आप सेल कर रहे हैं या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मतलब उस गुड्स को बनाने का जो प्राइस है, इसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन. जितना बड़ा हाई ग्रॉस मार्जिन जितना होगा, आपके पास उतना सारा पॉसिबिलिटीज हो जाएगा अलग अलग चीज़ों को करने का. नाउ ग्रॉस मार्जिन के अंदर आपका लॉजिस्टिक्स, आपका ऑफिस एक्सपेंसेस, आपका रेंट नहीं इंक्लूड होता. गुड्स को बनाने का जो कॉस्ट है और उसको बेचने का जो कॉस्ट है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस मार्जिन. जितना ज़्यादा हाई ग्रॉस मार्जिन होगा, आपके पास उतना प्ले होगा मार्केटिंग में खेलने के लिए. अगर हाई ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट्स की हम लोग बात करें तो वो होते हैं फूड, होते हैं चिप्स, होते हैं पर्सनल केयर, होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, होते हैं जिसमें हाई ग्रॉस मार्जिन हम लोग को मिलता है. लो ग्रॉस मार्जिन इज B2B बिजनेस. B2B बिजनेस में क्या होता है, क्योंकि हम लोग को एक बिजनेस टू बिजनेस एक कैटेगरी में केटर करना पड़ रहा है, जहाँ पे बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं, परचेज मैनेजर्स होते हैं, सेल्स मैनेजर, और वो बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं. वो उनको पता है कि मैं इसका रेट जो है कैसे गिरा सकता हूँ, क्या इसका असली वैल्यू है. बट एक B2C ब्रांड में क्या होता है, क्योंकि कंज्यूमर को इतना नॉलेज नहीं है कि आप ब्रांड क्या बेच रहे हो या ब्रांड का क्या वैल्यू है या इसका कॉस्टिंग प्राइस कितना हो सकता है. तो B2C जो बिजनेस होता है उसके अंदर हम लोग को हाई ग्रॉस मार्जिन दिखने को मिलता है, बट B2B जो ब्रांड्स होता है उसमें लो ग्रॉस मार्जिन दिखने को मिलता है. तो B2C जो ब्रांड्स है, क्योंकि उसमें हाई ग्रॉस मार्जिन है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग के साथ प्ले कर सकते हैं. तो जब भी आप कोई स्टार्टअप चालू करें या आप कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका ग्रॉस मार्जिन जो वो हाई हो. क्योंकि ग्रॉस मार्जिन अगर हाई होगा तो आप मार्केटिंग कैंपेन्स इजीली रन कर पाएंगे और मार्केटिंग कैंपेन्स रन करके अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाएंगे. इसके अंदर एक जो बहुत अच्छा चीज़ बताया जाता है कि एडवर्टाइजिंग ऑन TV ऑन टूडेज डेट इज़ लाइक अ मशीन. अलग 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 जगह आपने मशीन गन फायर किया है, जो मे और मे नॉट स्ट्राइक द राइट कस्टमर, बट एक साथ में बहुत लोगों को पास पहुंच रहा है वो. बट डिजिटल मार्केटिंग टूडेज वर्ल्ड इज लाइक अ स्नाइपर गन, जो कि एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन, पिन पॉइंट लोग, पिन पॉइंट एज, पिन पॉइंट जेंडर को लेके केटर करता है मार्केटिंग. तो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. चाहे आप TV पे करना चाहते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके प्रोडक्ट में वो मार्जिन हो. क्योंकि मार्जिन नहीं होगा तो आप अपना खर्चा कहाँ से निकालेंगे. तो एक छोटा सा चीज़ था जो मैं बताना चाहता था. इट्स वेरी इजी, वेरी एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं है, एकदम इजी तरीका से बताया कि आपके प्रोडक्ट में हाई ग्रॉस मार्जिन होना चाहिए, तभी आप मार्केटिंग में प्ले कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.